नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्रधान चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉन्स डिसीज के बारे में। तो जो हमने कल एक टॉपिक देखा था अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि इसका मतलब था कि जो कोलोन में जो कि लार्ज इंटेस्टाइन रहता है उसमें होने वाले अल्सर या फिर इन्फ्लामेशन के बारे में, आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉन्स डिसीज। क्रॉन्स डिसीज और यूसी यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये दोनों ही आईबीडी के ही एक पार्ट है, यानी कि इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज के ही एक हिस्से है। ये उनका टाइप है। होता क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ कोलोन से रिलेटेड ही जो तकलीफ रहती है, लेकिन क्रॉन्स डिसीज में हम देखते हैं कि थोड़ा सा इसके एक्सटेंडेड तकलीफ रहती है, मतलब इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी ये पहुंचता है और थोड़ा बहुत कभी कभी स्टमक को भी ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो दोनों में जो हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन है या फिर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, ये इसका लगभग सेम देखने को आपको मिलेगा, लेकिन बाकी चीजें जो हम देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो आज हम लोग जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं। क्रॉन डिसीज इज अ टाइप ऑफ आईबीडी दैट इज इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज दैट कॉज यूर डाइजेस्टिव ट्रैक टू बिकम स्वॉलन एंड इरिटेटेड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो हम देखते हैं कि स्टमक से लेकर शुरुआत होता है पूरा एनल तक, वहां तक हम लोग देखते हैं कि उस ट्रैक को जो है वो इरिटेशन प्रोवाइड करता है, इन्फ्लामेशन प्रोवाइड करता है। इस कंडीशन को इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीजेस कहते हैं, ठीक है। इट इज अ क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग ऑटोइम्यून कंडीशन दैट इन्फ्लेम्स एंड इरिटेट योर डाइजेस्टिव ट्रैक, मोस्ट कॉमनली योर स्मॉल इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ कोलन। तो आईबीडी एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम देखते हैं क्रॉनिक है, काफी लंबे समय तक ये चलने वाली तकलीफ है, और ये हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है खास करके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को सबसे ज्यादा जो है ये अफेक्ट करता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि यूसी जो कल हमने टॉपिक देख चुका है, एंड क्रॉन डिसीज आर द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आईबीडी, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। टाइप्स ऑफ क्रॉन डिसीज, तो टाइप ऑफ क्रॉन डिसीज यानी कि उसके जो अलग अलग हम देखते हैं कि जो टाइप्स हैं उसके, वो समझने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। तो जो मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का इंडिविजुअल वीडियो बनाया था या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं, एक थेरोटिकल और एक बोर्ड पे समझा के, उसमें मैंने समझाया था कि ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम ये तीन हिस्से रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। सबसे छोटा पार्ट रहता है ड्यूडेनम, बीच का पार्ट रहता है जिजेनम, और जो लास्ट पार्ट रहता है, सबसे बड़ा पार्ट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो रहता है इलियम, जो कि फाइनली बाद में जाके लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये चीजें जो है वो, ये टॉपिक समझने से पहले ये पॉइंट हमें जो है वो क्लियर होना जरूरी है, ताकि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जो किया गया है वो नाम के हिसाब से किया गया है, जो टाइप्स जो हम देखते हैं तो वो समझने में हमें आसानी जाएगी। तो इलियोकोलाइटिस, तो आप समझ लो कि इलियो और कोलोन उसका इन्फ्लामेशन, तो मतलब क्या, इलियम और कोलोन यानी कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, उसका इन्फ्लामेशन तो मोस्ट कॉमन टाइप है, अफेक्ट्स लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन एज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन बोले तो नीचे वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब कि इलियम को अफेक्ट करेगा और लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्सों को ये अफेक्ट करेगा, इसलिए, और ये सबसे ज्यादा कॉमन है ये, ठीक है। मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा आपको कि ये मेरा वीडियो जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का और इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा कनेक्टिवली अगर आप देखते हैं तो बहुत से पॉइंट मैंने उसमें भी अच्छे से क्लियर किए हैं, तो ये पॉइंट जो है वो आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी, इसीलिए मैं एक सीरीज वाइज जो है वो चीजें बनाता हूं, ताकि वो चीजें अगर आप एक ने शुरुआत कर ली तो आपको फिर वो कनेक्ट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। दूसरा है कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द लाइनिंग ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, तो कोलाइटिस से आप समझ ही गए हैं कि कोलोन में होने वाला इन्फ्लामेशन। इलियाइटिस यानी कि इलियम में होने वाला इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन एंड द स्वेलिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। गैस्ट्रोड्यूडेनल यानी कि इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन दैट अफेक्ट्स योर स्टमक एंड द टॉप ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द ड्यूडेनम। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ड्यूडेनम मतलब ये जो पहला हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि स्टमक के साथ कनेक्टेड रहता है, स्टमक के बाद जैसे जो शुरुआत होती है जहां पे पैंक्रियाटिक डक्ट भी रहता है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूडेनम रहता है उस हिस्से में होने वाला इन्फ्लामेशन और जो स्टमक में होने वाला कुछ इरिटेशन, तो उस कंडीशन को कहा जाता है गैस्ट्रोड्यूडेनल क्रॉन्स डिसीज। जेजुनाइटिस यानी कि पैची एरिया ऑफ द इन्फ्लामेशन इन द अपर हाफ ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन इट्स अ जुजेनम। अपर हाफ, ठीक है, ऊपर का हाफ हिस्सा मतलब जिजेनम में होने वाला इरिटेशन और इन्फ्लामेशन जो कि इंटेस्टाइन का मध्य पार्ट है, मिडल पार्ट है, उसे कहा जाता है जेजुनाइटिस। पराइनल डिसीज, तो ये समझ में आ गया होगा कि पराइनल एब्सेसेस के बारे में पहले वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं,
इसमें मैं एनल डिसीजेस के जो है टॉपिक लिया था मैंने, उसमें मैंने ऑलरेडी जो है वो क्लियर किया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। तो परेनल डिसीजेस, अ पोर्शन ऑफ द पीपल हैव द इन्फ्लेमेशन अराउंड द एनस विच कैन कॉज फिस्टुला एंड एब्सेसेस। तो फिस्टुला पे भी और एनल जो एब्सेसेस है इस पे भी मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ ऑलरेडी, चैनल पे है वो, आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। एक तरह का फिस्टुला हो जाता है, मतलब एक डायरेक्टली एक डक जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि मल को या पस को जो रहता है वो बाहर स्किन की तरफ लेके जाता है। एब्सेसेस हो जाते हैं, फोड़े टाइप जो स्ट्रक्चर जो है ये हो जाता है एनल के सराउंडिंग एरिया में। कॉजेस, तो देयर इज नो नोन सिंगल कॉज बट इट्स रिलेटेड टू द डिसफंक्शनल इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम ही सबसे ज्यादा इसमें एक डिस्टर्बेंस की वजह से ये होने के कारण जो है ये बनता है। इम्यून सिस्टम लॉन्च इनटू द ओवर ड्राइव मैनर, लॉन्च इनटू ओवर ड्राइव मैनर मतलब क्या होता है, देखो इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जब कोई चोट लगती है वहां पे, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम वहां पे अटैक करता है, वहां पे हम देखते हैं कि वो अपना काम करता है कुछ फॉरेन मटेरियल जो फॉरेन बॉडीज आ जाती है उनको फाइट करने के लिए, और उस फाइटिंग के दौरान इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, जो सूजन जो है वो आ जाती है। तो मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम अपना सही तरीके से एक्टिवनेस ने काम कर रहा है। अब ओवर ड्राइव मतलब का क्या, इसका क्या मतलब होता है कि अगर इम्यून सिस्टम जो है ये ओवर एक्टिव हो गया है तो कभी कभी क्या होता है कि वो हेल्दी सेल्स और बैड सेल्स जो रहते हैं, जो फॉरेन सेल्स रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में वो असमर्थ रहता है, वो सक्षम नहीं रह पाता है, तो वो क्या करता है कभी कभी हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। सेम वे इसमें क्या होता है कि जो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर रहते हैं, वायरसेस फंगाई जो रहते हैं, तो उनको ये अफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी तक तो रिसर्चर्स ने यही माना हुआ है कि यही एक कारण है। इम्यून सिस्टम में लॉन्च इनटू एन एप्रोप्रिएट अटैक ऑन द बैक्टीरिया नॉर्मली फाउंड इन योर गट कॉजिंग द क्रॉन्स रिलेटेड इन्फ्लेमेशन इन योर इंटेस्टाइन, ठीक है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो एज है सबसे पहला, एट एनी एज बट द लार्ज परसेंटेज डायग्नोस इन द लेट टीन्स ओनली दो थ्रू थर्टीज, तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन टीनेजर एज के आसपास, जो लेट टीनेजर एज रहते हैं जैसे थर्टीज के आसपास रहते हैं, उसमें ज्यादातर ही देखने को मिलता है। जीन्स, आईबीडी रन्स इन द फैमिलीज इन अबाउट 20% ऑफ द क्रोन डिसीज डायग्नोस। तो मैंने कल भी आपको बताया था अल्सरेटिव कोलाइटिस के, इसमें से जो डायरेक्ट पेरेंट्स रहते हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो माता पिता हो गए या फिर हम देखते हैं कि सिबलिंग्स हो गए, तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अगर उनमें है तो आपको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अगर ऐसी कंडीशन है तो 20% लोगों को ऐसा देखा गया है कि जिनमें क्रोन डिसीज है उनको फैमिली के कारण जो है वो हुआ है। स्मोकिंग, स्मोकिंग सिगरेट इंक्रीज द रिस्क, स्टडीज फाउंड दैट इट्स डबल योर रिस्क, इट ऑल्सो लीड टू द मोर सीवियर डिसीज। तो स्मोकिंग के कारण इन्फेक्शन काफी ज्यादा ये बढ़ जाता है, ये डबल कर देता है, फिर इसकी जो डराव जो इसका जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है, और ये काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन को जो है वो इन्विटेशन दे देता है स्मोकिंग। अपेंडेक्टॉमी, स्टडी सजेस्ट पीपल आर एट मोर रिस्क हु हैड एन अपेंडिक सर्जरी, रीजन इज अनक्लियर। तो जो लोगों को अपेंडिक्स में पेन होता है, जैसे हम कहते हैं अपेंडिक्स में कुछ जमा हो जाता है, मल जमा होता है, जो साफ करने वाला रहता है, वो देखा जाए तो ये अनवांटेड पार्ट है हमारे बॉडी का, पर कहा जाता है कि इसके अंदर एक हेल्दी बैक्टीरिया जो है वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो अगर अपेंडेक्टोमी अगर कई लोग करवाते हैं तो अपेंडिक्स की सर्जरी करके उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया रहती है, उस कारण से ये तकलीफ जो है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ऐसा माना गया है, पर रीजन अभी तक अनक्लियर है। लोकेशन, मतलब पीपल्स लाइव इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द अर्बन आर एट द हायर रिस्क देन द पीपल लाइव्स इन द लेस डेवलप एंड द रूरल एरिया। अब इसका रीजन पता नहीं क्या है, कैसे है, पर जो बड़े शहरों में रहते हैं, बड़े डेवलप सिटीज में रहते हैं, उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप और रूरल एरिया में। इसमें भी थोड़ा सा डाउट हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो जहाँ पे हाइजीन ज्यादा अच्छी है वहां पे ऐसी कंडीशन होने के चांसेस कम रहते हैं, या फिर यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है वो काफी ज्यादा धूल मिट्टी या डस्ट की वजह से होने की वजह से, या फिर खान पान की वजह से जो है ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। और दो रीजन हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे साफ सफाई वगैरह अच्छी है, तो अगर कोई कॉमन टॉयलेट अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें नहीं होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन खान पान जो है वो काफी अच्छा नहीं रहता है डेवलप सिटीज में। हम देखते हैं कि एज कम्पेयर टू गांव वगैरह में, गांव में से फ्रेश खाना जो है वो ले सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी जो है कई लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं अपने लिए, तो वो करके भी आप खाना खा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी हेल्दी रहता है। तो ऐसे कई रीजंस हैं, ठीक है। स्ट्रेस, योर बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्लेयर।
तनाव एक ऐसी चीज है आपकी जिंदगी में, जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी हेल्थ जो है वो डिटेरियट होगी, तो तनाव से जितना हो सके कम रहें। तनाव से काफी चीजें आपकी हेल्थ में जो निगेटिव वे से जो है वो ट्रिगर हो जाती हैं, जिससे आपकी काफी ओवरऑल जो हेल्थ है वो जितनी खराब होनी चाहिए उससे ज्यादा खराब हो होती है। इसलिए कहा जाता है कि हेल्दी रहें और पॉजिटिव माइंड से अपनी जिंदगी को जीना सीखें। साइन एंड सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में डेवलप ग्रेजुअली और कम ऑन सडनली, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो सिम्टम्स हैं वो धीरे 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 आपको देखने को मिले, या फिर सडनली आप जो है वो कोई सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन में भी माइल्ड और सीवियर, माइल्ड रहेंगे या फिर काफी ज्यादा सीवियर रहेंगे जो तकलीफ रहेगा। सम पीपल हैव क्रॉनिक सिम्टम्स अंटिल डॉक्टर ट्रीट देम, जब तक डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहा है थोड़ा सा उन्हें क्रॉनिक सिम्टम्स जो है वो रहते हैं, काफी लंबे समय तक वो सिम्टम्स जो है वो रह सकते हैं। बट वाइल अदर हैव सिम्टम्स दैट कम्स एंड गो, तो ये व्यक्ति के हिसाब से और उसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से, इम्यून सिस्टम के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि किसी किसी को ट्रीटमेंट के दौरान वो सिम्टम्स काफी लंबे समय तक रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब आपके पास से इतने समय से दवाई कर रहे हैं कुछ असर तो पड़ नहीं रहा है, कई लोग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझे अच्छा लगा इस डॉक्टर के पास जाओ तुम भी ठीक हो जाओगे, तुमको भी अगर कंडीशन है तो। पर होता कैसा है, हर किसी का इम्यून सिस्टम और बॉडी का जो रिस्पॉन्स करने का तरीका रहता है वो सबका अलग अलग रहता है। अब फ्लेयर्स इज व्हेन सिम्टम्स आर एक्टिव, मतलब जो सिम्टम्स हम देखते हैं काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस कंडीशन को फ्लेयर अप कंडीशन कहा जाता है, और जब सिम्टम्स बिल्कुल नहीं रहते उसे रिमिशन कहा जाता है। इस ये टॉपिक हम पहले भी देख चुके हैं। अब क्या क्या रहेंगे सिम्टम्स इंक्लूड्स क्या क्या रहेगा उसमें, एक तो एब्डोमिनल पेन रहेगा या तो फिर क्रैम्प, एब्डोमिनल एरिया में काफी ज्यादा दर्द रहेगा या तो क्रैम्प आएंगे, मरोड़े आना जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्रॉनिक डायरिया रहेगा यानी कि वाटरी स्टूल रहेगा, लंबे समय तक डायरिया आपको रह सकता है, और जो स्टूल जिसे हम लोग कहते हैं कि जो पानी जैसा स्टूल जो है वो आता है। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड द वेट लॉस, आपका जो वजन है वो कम होता जाएगा क्योंकि आपकी जो भूख है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ब्लडी स्टूल यानी कि जो रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब आपके स्टूल में जो हम देखते हैं कि ब्लड आना शुरू हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से कभी कभी अल्सर भी हो जाता है। अल्सर में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और म्यूकस लेयर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हीलिंग जो है वो नहीं हो पाती है। माउथ अल्सर और पेन इन माउथ और गम्स, तो देखा जाता है कि अगर स्टमक अगर खराब है तो धीरे धीरे आपको, आपने सुना होगा कि किसी किसी को अगर पेट में छाले आ जाते हैं या फिर कुछ हो, तकलीफ होती है, पाचन सही नहीं होता है तो मुंह में छाले आना होते हैं, तो आपने कभी सुना होगा या खुद महसूस भी किया होगा कि जब आपको डायरिया होता है या फिर पेट से रिलेटेड कुछ तकलीफ होती है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो मुंह में आपको छाले महसूस होते हैं। जब आपका पेट साफ हो जाता है, ठीक हो जाना शुरू होता है, तो फिर जो माउथ वगैरह में जो गम एरिया में जो आपको अल्सर होता है या कुछ प्रकार का जो हम देखते हैं कि पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो सब चीजें हैं पेट। फीवर एंड फटीग, जाहिर सी बात है जब इन्फ्लामेशन होता है तो शरीर में थोड़ा बहुत बुखार होता है, फटीग बार बार डायरिया होने की वजह से आपको थकान भी होता है। एब्सेसेस ऑफ द इन्फेक्शन अराउंड योर एनल कैनल, तो एब्सेसेस जैसे मैंने आपको अभी यहीं पर बताया था कि जो एब्सेसेस होते हैं ये एब्सेसेस इन फिस्टुला में, तो वो एब्सेसेस आपको देखना शुरू हो जाता है। एब्सेसेस क्या होते हैं अलग से वीडियो बना है, आप देख सकते हैं। क्रॉन्स कैन ऑल्सो कॉज सिम्टम्स इन द बॉडी पार्ट आउटसाइड ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंक्लूडिंग, तो क्रॉन्स एक ऐसी कंडीशन जो है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जैसे कि हमने कल देखा था अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो अगर सिचुएशन वर्स होना शुरू हो जाती है तो बॉडी के दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट करती है, सेम वे क्रॉन डिसीज भी करता है, जैसे कि वो आर्थराइटिस करेगा, ज्वाइंट पेन करेगा, रैशेज आना शुरू हो जाएंगे स्किन पे, आई इन्फ्लेमेशन करेगा, जैसे कि यूवीआईटिस हो गया, एपिस्क्लेराइटिस हो गया, किडनी स्टोन कर देगा, ऑस्टियोपोरोसिस कर देगा, स्किन जो टैगिंग जो है वो कर देगा, इन्फ्लामेशन इन योर बाइल डक्ट। तो ये चीजें मैंने कल के टॉपिक में थोड़ा सा और डिटेल में बताया था, वो भी आप देख सकते हैं कि ये और किस तरीके से वर्स करता है और क्यों करता है। इन चिल्ड्रन इट कैन कॉज द ग्रोथ डिले और द फेल्यूर ऑफ द ग्रोथ प्रॉपरली, अब देखिए खान पान सही नहीं रहेगा, सही तरीके से वो पचेगा नहीं, न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, तो ग्रोथ होगी नहीं उतनी से अच्छे से। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, एब्सेसेस हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है, एनल फिशर हो जाता है, ये तीनों पे मैंने अलग से टॉपिक बनाया है। बाउल एब्स्ट्रक्शन, क्या होता है कि कभी कभी जो स्कार डेवलप हो जाता है, मान लो ये ट्रैक है जहां से जो फीकल मटेरियल वो पास हो रहा है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई स्कार है ना, फोड़े जैसा है जो अंदर की तरफ होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ का स्ट्रक्चर है वो दब जाता है, मतलब यहाँ से तो क्वांटिटी बड़ी आ रही है लेकिन यहाँ पे जा नहीं पा रही, और यहाँ से हम लोग प्रेशर भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्कार है, और वहां पे अगर हमने प्रेशर दिया तो पेन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाता है, ये निकल नहीं पाता है, और एक प्रकार का हम देखते हैं कि जो पेन और टॉक्सिक जो है वो नेचर जो है वो अपने स्किन में जो है बढ़ जाता है, तो बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन, अब शरीर के अंदर सही तरीके से
न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, क्योंकि बार बार आपको डायरिया हो रहा है, डाइजेशन से रिलेटेड तकलीफ हो रही है, पाचन सही नहीं होगा, शरीर के अंदर न्यूट्रिशन जाएगा नहीं, तो सब माल न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और एनीमिया सबसे ज्यादा इसका जो रीजन है वो होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे ज्यादा रीजन एनीमिया होता है, क्योंकि वहां पे अल्सर काफी ज्यादा हो जाते हैं। एनीमिया में हम देखते हैं कि इसमें प्रतिशत कम है, पर इसमें भी होता है क्रोन डिजीज में। डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, ब्लड टेस्ट में ये देखा जाता है कि भाई आपका एनीमिया कैसा है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह जो है, अलग अलग सीआरपीज वगैरह, सीबीसीज, और हम देखते हैं डब्ल्यूबीसीज की वैल्यूज जो है वो देखी जाती है, कि वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। स्टूल टेस्ट में देखा जाएगा कि म्यूकस, पस और ब्लड अगर ज्यादा निकल रहा है तो वो कंक्लूजन पे आने में हेल्प करता है। सीटी स्कैन करवाया जाता है, एमआरआई करवाया जाता है, ताकि देखने के लिए कि असल में है क्या। उससे भी ज्यादा अगर फाइनल ट्रीट करना है तो एंडोस्कोप करवाया जाता है, कोलोनोस्कोप, यानी कि कोलन के साइड से, नीचे के साइड से एक स्कोप जो है वो डाला जाता है, एक रॉड जैसे डाला जाता है फ्लेक्सिबल, जिसके सिग्माइडोस्कोपी जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर कोलोनोस्कोपी जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें टॉर्च और कैमरा रहता है और वो एनालाइज करता है, और कोई जरूरत पड़ती है तो वहां से टिश्यू भी निकालने में हेल्प करते हैं, ताकि उसका बायोप्सी किया जा सके। अपर एंडोस्कोपी मुंह से जो है वो एक रॉड डाली जाती है, सेम जो नीचे से हम देखते हैं वो भी ऊपर से डाली जाती है, ये देखने के लिए कि स्टमक से लेके ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम से रिलेटेड और फाइनल कोलन तक ये डाला जाता है, तब तक देखने के लिए कि इसमें क्या तकलीफ है। कैप्सूल एंडोस्कोप, सेम कैप्सूल एंडोस्कोप, आपको एक कैप्सूल दिया जाता है जिसमें एक प्रकार का जो लाइट है वो स्पार्क होता है, और उसके साथ फिर आपको एंडोस्कोप दिया जाता है, और जैसे जैसे वो कैप्सूल आपकी बॉडी में मूव करता है, स्टमक के अंदर मूव करता है, वैसे वैसे वो जो कैमराज है जो उसके अंदर गया है वो उसके साथ मूव करता है, और वो लाइट जो उसके अंदर स्टमक के अंदर वो कैप्सूल में एक प्रकार केमिकल रहता है जो जो कि स्पार्क मतलब थोड़ा सा लाइटिंग प्रोवाइड करता है, फिर वो वहां से वो फोटोज लेना जो है वो शुरू करता है, हर एक इमेज का, हर एक जो इंटेस्टाइन का जो है इमेज का फोटो लेना शुरू कर देता है इंटेस्टाइन के अंदर का, और वो इमेज उनको स्क्रीन पर दिखती है, ताकि ये कंडीशन देखने के लिए कि कहां तक ये सीवियरिटी पहुंची है, इसे कहा जाता है कैप्सूल एंडोस्कोपी। ट्रीटमेंट अलग अलग जो है वो दी जाती है, तो मेडिकेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अमाइनोसैलिसिलेट दिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स मैंने पहले कहा था कि जब काफी ज्यादा पेन होता है तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर लॉन्ग टर्म में इसका काफी ज्यादा नुकसान होता है, इमीडिएट पेन रिलीव करने में हेल्पफुल रहते हैं। अमाइनोसैलिसिलेट्स एक प्रकार के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो उसे कहा जाता है, जो कि दिए जाते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक कैटेगरी है, उसमें इम्यूनो सप्रेसेंट सबसे ज्यादा जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करेंगे तो इम्यून सिस्टम के कारण जो बीमारी हो रही है तो उसको थोड़ा सप्रेस किया जाता है। बायोलॉजिकल्स भी वही काम करते हैं, जैक इनहिबिटर यानी कि जैक काइनेज इनहिबिटर, एक प्रकार के जो एंजाइम्स हैं जो कि इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उन एंजाइम्स को सप्रेस यानी इनहिबिट किया जाता है, तो जैक इनहिबिटर जो है वो उसे कैटेगरी को कहा जाता है। मेडिकेशन बताऊंगा नहीं, वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है, डॉक्टर आपको वो प्रॉपर तरीके से बताएंगे कौन सी मेडिकेशन आपके लिए सही जरूरी है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो थोड़ा सा हेल्प करते हैं। एंटी डायरिया मेडिकेशन, डायरिया अगर बढ़ गया तो वो सप्लीमेंट्री मेडिकेशन दिया जाता है डायरिया को रोकने के लिए। पेन किलर्स जो है वो दिए जाते हैं, अगर स्टेरॉइड्स पता चल रहा है कि स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं तो पेन किलर से भी अगर हो सकता है तो दिए जाते हैं, अदरवाइज पेन किलर को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये एनएसएड कैटेगरी, अगर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर दिए जाते हैं तो पेन उसमें से बढ़ भी जाता है। वो कैसे बढ़ता है वो जब हम लोग मेडिसिन का टॉपिक लेंगे तब बात करेंगे। न्यूट्रिशन ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, कि अगर आपको कुछ न्यूट्रिशन कमी आ गई है ड्यू टू प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम होने की वजह से जो शरीर में पौष्टिक आहार जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, तो सही तरीके से न्यूट्रिशन कुछ एक चार्ट बना के आपको दिया जाता है कि ये न्यूट्रिशन खाओ, ये जो चीजें खाओ, ताकि वो जो न्यूट्रिशन गैप हो गया है वो फुलफिल हो सके। सर्जरी, फाइनली सर्जरी करके उसे ठीक किया जाता है। अब सर्जरी कौन सी होती है, कल के टॉपिक मैंने डिटेल में अच्छे से बताया है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो आप जो है वो रेफर कर सकते हैं, सेम सर्जरी इसमें भी इस्तेमाल की जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।